चैप्टर अपने YouTube चैनल जॉब प्लानर में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में डायरेक्शन के टॉप 5 क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं आज का डायरेक्शन का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन यह है कि राम पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। किधर देख रहा है? पूर्व। आपको मालूम होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यही दिशा सूचक है। इसी से यानी कि यहाँ यह मेन पॉइंट और इसके राइट तरफ जो होता है वह पूर्व होता है, इसके इस तरफ क्या होता है पश्चिम होता है, टॉप में जो होता है वह क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो देखते हैं पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। राम पूर्व दिशा की ओर देख रहा है यानी पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि वामावर्त, ठीक है, में घूम जाता है। पुनः वह 90 डिग्री उसी डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन का मतलब कौन सा डायरेक्शन? तो इसके पहले जिस डायरेक्शन का जिक्र किया गया यानी वामावर्त में ही यानी एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम जाता है। फिर वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी घूमने का जो सिलसिला है वह कितने बार है? तो 3 बार है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पहला, दूसरा फिर 90 डिग्री उसी डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरा जो है वह 90 डिग्री ही क्या है क्लॉकवाइज है। यानी 2 बार 90 एंटी क्लॉकवाइज हो गया और 1 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब डिग्री वाला प्रश्न को बनाना हो तो आप इस का ही प्रयोग करेंगे। ये उत्तर और पूर्व के बीच का डायरेक्शन है इसलिए इसको उत्तर पूर्व कहते हैं। ये दक्षिण पूर्व का डायरेक्शन है इसलिए ये दक्षिण पूर्व हो गया। ये दक्षिण पश्चिम का डायरेक्शन है इसलिए दक्षिण पश्चिम कहेंगे, और यह उत्तर पश्चिम है तो इसको उत्तर पश्चिम के बीच में है तो इसको उत्तर पश्चिम। तो डिग्री वाला जो भी प्रश्न होगा आप इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको घुमाना कितनी बार है? यहाँ 3 बार घुमाना है। या तो आप 3 बार घुमा के बना सकते हैं, नहीं तो फिर एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और 3 बार से घुमाने से बेहतर होगा कि आप 1 बार घुमा के भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, घुमा के देखते हैं। तो यह कौन से दिशा की ओर चल रहा है? पूर्व दिशा की ओर। ये तो पूर्व डायरेक्शन यानी इस दिशा की चल रहा है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज आपको मालूम है कि ऐसा जाएंगे तो एंटी क्लॉक होगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहां से हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री, और यहां से यहां तक कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, यानी मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से 90 डिग्री, अब पहली बार 90 डिग्री घूमे तो यहां आ गए, फिर वह 90 डिग्री उसी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यहां से तो कहां जाएगा? ये पश्चिम में आ जाएगा, और यहां के बाद 90 डिग्री वह कौन डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। यानी यहां से अगर क्लॉकवाइज को ले तो इस तरफ लेंगे तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से ही बना सकते हैं। यहां देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज में 90 प्लस 90, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है? 90 डिग्री है। तो जब एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉक हो और दोनों सेम हो तो दोनों के क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ठीक है। तो बस क्या क्या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बस आपको एक बार घुमाना ही है। पहले कौन से डायरेक्शन में जा रहा था? पूर्व डायरेक्शन में जा रहा था, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कितना डिग्री बच गया है? 90 डिग्री। यहाँ से अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कौन सा आंसर आ जाएगा? उत्तर। और इसका आंसर क्या होगा? उत्तर। तो आप 3 बार घुमाने से बच सकते हैं, और उसको कितने बार में सॉल्व कर सकते हैं? तो 1 बार घुमा के उसके आंसर को क्या कर सकते हैं? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कहा गया है कि मोहन किसी बिंदु से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 2 बार दाएं बाएं तथा 1 बार दाएं मुड़ जाता है। तो देखिए यह एक दिशा सूचक है, यहाँ से कोई भी पॉइंट से चलना शुरू करेगा कोई भी बंदा, तो यही पॉइंट पर समझिए यहाँ से मोहन चलना शुरू किया है, वो किस दिशा में चलना शुरू किया है? उत्तर। यहाँ से उत्तर, ठीक है, उत्तर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर उत्तर, यहाँ नीचे दक्षिण, यहाँ पर पूरब और यहाँ पर पश्चिम। तो उत्तर में गए, यहाँ से क्या कहाँ चलना है? 2 बार बाएं मुड़ना है। तो 2 बार जब बाएं मुड़ेंगे तो आपको मालूम है कि उत्तर में जा रहे हैं, तो उत्तर डायरेक्शन में यानी कि हम जैसे जिस तरफ से खड़े हैं वही उत्तर डायरेक्शन है। तो यहाँ से लेफ्ट इधर होगा और राइट क्या होगा? इधर होगा। तो बाएं मुड़ना है तो 1 बार
तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए देखिए, मोहन किसी बिंदु से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वो दो बार बायां होता है और एक बार दायां हो जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर मोहन किसी बिंदु से, यानी कोई भी बिंदु मान लेंगे चलने का, कोई भी बिंदु, और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से इस तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा यानी पूर्व होगा, इधर क्या होगा वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे क्या होगा साउथ होगा। तो यहाँ से कौन से दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो उत्तर दिशा में, तो यहाँ से उत्तर ऊपर हो जाएगा, और उत्तर के हिसाब से लेफ्ट होगा आपके इस तरफ यानी वेस्ट की तरफ, और राइट होगा किसके तरफ, तो पूरब की तरफ। तो वह दो बार बोल रहा है कि बाएं मुड़ जाता है, तो अगर दो बार बाएं मुड़ता है तो पहले दो बार बाएं मुड़ा लेते हैं, यहाँ से एक बार बाएं मुड़ेगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यानी अब ये पश्चिम की ओर जा रहा है, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो फिर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। उसके बाद वह बोल रहा है कि एक बार क्या मुड़ जाता है, दाहिने मुड़ जाता है, तो ये अभी जा रहा है किस ओर, ये तो जा रहा है दक्षिण दिशा में, और यहाँ से दाएं मुड़ाना है तो दाएं आपका किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, यानी दक्षिण के हिसाब से दाहिना इस तरफ होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम, यानी मोहन अब किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो ये तो आपको घुमा के बनाना हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ दिशा पूछा जाए, दिशा सिर्फ दिशा पूछा जाए तो आप बिना डायग्राम के भी उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो वह उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया तो उत्तर तो बना लेंगे उत्तर दिशा में, वह दो बार दाहिने मुड़ा है यानी राइट सॉरी लेफ्ट मुड़ा है, वह लेफ्ट मुड़ा है कितने बार, दो बार, तो दो बार लेफ्ट हो गए, और राइट मुड़ा है कितनी बार, राइट मुड़ा है एक बार, तो यहाँ तो टोटल तीन बार उसने मुड़ा है, तो यहाँ से आपको एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना लेफ्ट, एक लेफ्ट बचेगा, यानी तीन बार तो हम किस में कन्वर्ट कर लिए, एक बार में कन्वर्ट कर लिए, एक बार बाएं मोड़ देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से एक बार बाएं मोड़ेंगे तो क्या जाएगा आंसर, ये पश्चिम आ जाएगा। तो पहले भी पश्चिम आया था और अभी भी पश्चिम आया है, कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाए तो आप लेफ्ट और राइट को लिख के और बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो एक बचेगा और बड़ा जो होगा वही बचेगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट बचेगा। कहने का मतलब है कि एक बार लेफ्ट प्लस एक बार राइट, यह दोनों क्या हो जाएगा, अगर कोई बंदा एक बार लेफ्ट मुड़ता है और पुनः एक बार राइट मुड़ता है तो उस वहां पर उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, यानी एक लेफ्ट से एक राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दो लेफ्ट से दो राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब जितना बार बाएं मुड़ा है और उतना ही बार अगर दाएं मुड़ जाए तो उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर एक से कैंसिल हो गया तो बच गया एक लेफ्ट, और एक लेफ्ट मुड़ा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी तीन बार से ज्यादा बेहतर होगा आपको कितने बार मुड़ाना, तो एक बार मुड़ाना। अगले प्रश्न को, सीतापुर दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है, तो अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी, यानी आपका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है, और अगर दूरी पूछा जाए तो आपको डायग्राम बनाना ही होता है। मैंने पिछला प्रश्न जो कराया था उसमें सिर्फ दिशा पूछा था, सिर्फ दिशा पूछा था, तो उसमें डायग्राम की जरूरत नहीं भी है, बिना डायग्राम के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर दूरी पूछा है तो आपको बिना डायग्राम के यह क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इसका हर हाल में आपको क्या बनाना होगा, डायग्राम बनाना। तो आप डायग्राम या तो आप पूरा इस डायरेक्शन इसके हिसाब से बनाइए, यहाँ पर जब भी चलना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरफ पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो बोला है कि पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर, यानी यहाँ से ही शुरू करना है, ये प्रारंभ है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर, इसी को ही 6 किलोमीटर मान लीजिए, ये 6 किलोमीटर चले पूर्व दिशा में चले, फिर वह बाएं मुड़ गए, तो बाएं का मतलब किस तरफ, तो यह पूरब की ओर जा रही है तो बाएं उस तरफ होगा, और यह बाएं मुड़ गए कितना चली है, ये 8 किलोमीटर चली है, तो चलिए इसी को मान लेते हैं कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है, और रुक जाती है, यानी यहाँ के बाद वह कहीं नहीं रहे, यहीं पर है, तो अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभ बिंदु का मतलब यहाँ, और ये अंतिम बिंदु हो गया, तो प्रारंभ और अंतिम बिंदु को हर हाल में मिलाएंगे, जब दूरी पूछेगा तो मिलाएंगे ही प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को, तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलने के बाद, यानी कौन से लाइन से मिला है, ये सीधी लाइन से मिला है या तिरछी लाइन से मिला है, तो ये तिरछी लाइन से मिला है,
और जब भी प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु एक तिरछा लाइन से मिले तो समकोण त्रिभुज बनना ही चाहिए इसको मिला के, यानी यह एक कौन सा त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया है। इसका एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि एक बार लेफ्ट या एक बार राइट का अर्थ है, एक बार लेफ्ट या एक बार राइट का अर्थ होता है कितना डिग्री मुड़ना, तो 90 डिग्री मुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मैंने मिला दिया, एक तिरछी लाइन से मिला है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, और समकोण त्रिभुज जब बन गया तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा, क्योंकि आपका दूरी क्या है, यही तो है। अगर उसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो आपके ओ बी ही तो क्या है, आपका दूरी है, और इसी दूरी को ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कोई कोई जो बच्चे होते हैं वह उसका आंसर 6 और 8 मिलके, यानी ऑप्शन आपका 40 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और सी 13 किलोमीटर, यानी इसी प्रकार से आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर कोई बच्चे क्या करते हैं, ये 6 और ये 8 यानी जोड़ देते हैं, 8 और 6 कितना रहता है, 14। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर जोड़ना है तो आपको सिर्फ एक ही लाइन में, जो एक ही लाइन से मिलना हो, मिलना चाहिए प्रारंभ बिंदु और कौन सा बिंदु, अंतिम बिंदु, यानी आपको घूमना नहीं है, जोड़ने के क्रम में आपको घूमना नहीं है। तो यहाँ से अगर ऐसे इसको 6 लेते हैं तो ये तो घूम गए, तो घूमना तो है नहीं, इसलिए आपको एक ही लाइन, जो लाइन यानी प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को जो एक लाइन मिलाएगी वही इसका दूरी होगा। तो यहाँ पर यही वो भी दूरी निकालना है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है कि यह एक क्या है, कर्ण है, समझिए क्या है, कर्ण है, और कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग दूरी में, तो यहाँ लंब किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्योंकि जोड़ना ही है, जब जोड़ना है तो कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी यह 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना, 64, यानी अंडर रूट क्या आ जाएगा, 100, और आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। यानी इसका जो आंसर होगा, यानी दूरी ओ और बी की दूरी क्या हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ जाना कि कोई भी दूरी को ज्ञात करने के लिए उस प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को एक लाइन से मिलाते हैं, और उसी लाइन की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूरी निकाला जाता है वह एक डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, विस्थापन निकाला जाता है। तो विस्थापन जो होती है वह सबसे कम दूरी होती है, ये 6 और 8 मिला के तो ज्यादा दूरी होगी ना, तो एक लाइन से जो मिलाएंगे वही इसकी क्या होगी, सबसे कम दूरी होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर 10 किलोमीटर, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, राजेश किसी बिंदु से, यानी अगर कोई भी बिंदु से चलने की बात होगी तो यहाँ पर हम लोग इसी से चलेंगे, इसी पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, वह 4 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और 4 किलोमीटर चलने के बाद, यानी उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया है, और कितना किलोमीटर चलने के बाद, तो 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, तो दाहिना किधर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, दाहिना हो गया, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर आ गया, पुनः वह दाएं मुड़ जाता है, और यहाँ से फिर दाएं मुड़ाना है, तो दाएं मुड़ाना है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करेगा, नीचे यानी दक्षिण दिशा में। तो वह फिर क्या बोलता है, 5 किलोमीटर ही चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर। चलिए हमें 5 किलोमीटर का रहने देते हैं, यहाँ पर हम मैं कितना कर देता हूँ, 4 किलोमीटर कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 किलोमीटर ही चलाना है आपको, 4 किलोमीटर किस दिशा में, यानी दाहिना, दाहिना यानी दक्षिण दिशा में। तो जब भी आप इस दिशा यानी इसको अगर 4 किलोमीटर खींचना है, तो इसके पैरेलल में जो लाइन होगा उसको जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, तो हमको भी 4 ही किलोमीटर खींचना है। जब भी लाइन यहाँ से कहाँ तक आएगा, इसी पॉइंट पर आएगा, यानी इसी एक्स एक्सिस पर ही आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। यहाँ ये भी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, यानी कोई भी अगर लाइन खींच रहे हैं, अगर उसके पहले एक पैर यानी उसके पैरेलल एक लाइन है, वो जितना किलोमीटर है उसके हिसाब से देखेंगे, अगर 4 किलोमीटर खींचना है तो उसी के सामने आ जाएगा, 3 किलोमीटर खींचना है तो उससे कम खींचेंगे, 5 किलोमीटर खींचना है तो उससे ज्यादा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर वो तो जा रहा है दक्षिण दिशा में, तो ये हो गया उसका कौन पॉइंट, अंतिम बिंदु, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है प्रारंभ बिंदु। तो आपको मालूम है मैंने कहा था कि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। तो यह मिला है तो क्या एक तिरछी लाइन से मिला है या सीधी लाइन से मिला है, तो यह एक सीधी लाइन से मिला है, यह
सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यह वर्टिकल लाइन या सीधी लाइन है, और इसको बोलते हैं तिरछी लाइन। तो तिरछी लाइन से जब भी मिले तो समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, और जब सीधी लाइन से मिले तो बस आपको कोई समकोण त्रिभुज की जरूरत नहीं है, बस आपको यही दूरी ज्ञात करना है, और यह दूरी जो है किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। लेकिन यह भी पूछा है कि वह किस दिशा में है, किस दिशा का मतलब है कि यहां से आपको दिशा भी ज्ञात करना है। तो प्रारंभ बिंदु यहाँ है, तो प्रारंभ बिंदु से ही आपको दिशा देखना है। तो प्रारंभ बिंदु से जो दिशा होगा वो कितना होगा, या कौन सा दिशा होगा, तो पूर्व दिशा होगा, तो ये पूर्व दिशा यानी 5 किलोमीटर पूर्व, ठीक है। तो हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मनीषा किसी बिंदु से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो ये आपको मालूम है कि यहाँ से क्या पूछ रहा है, प्रारंभ बिंदु से वह किस दिशा में और कितनी दूर है। तो दिशा भी पूछ रहा है और दूरी भी पूछ रहा है, तो आप इस डायग्राम से, यानी अगर आपको स्टार्टिंग में सीखना है तो आप इस डायग्राम से सीखिए, उसके बाद आप बिना डायग्राम से इसके भी आप बना सकते हैं, यानी आपको डायग्राम को बनाना ही होगा, क्योंकि यह क्या पूछ रहा है आपसे, दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछे तब भी डायग्राम, और प्रारंभ बिंदु से दिशा पूछे तब भी डायग्राम, क्योंकि आपको मालूम है ये प्रारंभ बिंदु से दिशा और किस प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में जा रहा है, यानी प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, यह दोनों प्रश्न जो है यह अलग अलग है। यह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, यानी इसमें आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, कि यह कौन बिंदु से पूछ रहा है आपका, प्रारंभ बिंदु से पूछ रहा है, और यहाँ पर बोला है अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इसमें आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये बिना डायग्राम के भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूरी पूछे तो आपको हर हाल में डायग्राम बनाना ही है, और प्रारंभ बिंदु से दिशा पूछे तब भी आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो यहाँ से देखते हैं प्रारंभ, मनीषा किसी बिंदु से पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से आपको मालूम है कि पश्चिम किस तरफ है, इस तरफ, ये पूरा और इधर पश्चिम, ये पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ी है, तो इसी को हम कितना किलोमीटर मान लेते हैं, 5 किलोमीटर। यह एरो दिखा रहा है कि यह किस दिशा में चल रही है, पश्चिम दिशा में चल रही है, तो यहाँ से दाहिना मुड़ना है इसको, तो आपको मालूम है इधर से दाहिना क्या होगा, इसके दाहिना क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर कितना किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर ही चलना है ऊपर इसको, ये 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर हो गया। तो अभी किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, ये एरो का मतलब है कि उत्तर दिशा में जा रहा है। पुनः वह बाएं मुड़ जाती है, अब यहां से बाएं मुड़ना है, तो यहाँ से अगर बाएं मुड़ेंगे हम लोग तो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो इस तरफ कितना किलोमीटर मुड़ रहा है बाएं, तो 7 किलोमीटर, यानी यह जो है वह 7 किलोमीटर, और यहाँ आके वह रुक जाती है, यानी यह कोल्ड पॉइंट हो गया, यह अंतिम हो गया, और यह क्या है, प्रारंभ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है, तो आपको प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को हर हाल में एक लाइन से क्या करना होगा, मिलाना होगा। मिल गया प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु एक लाइन से, तो एक तिरछी लाइन से मिला है, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज बनना ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको यानी बनना भी चाहिए, तो समकोण त्रिभुज किससे, यानी प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला के बनना चाहिए। क्या प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु से को मिला के कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है डायरेक्ट रूप से, तो अगर नहीं बन रहा है डायरेक्ट रूप से तो जबरदस्ती बनाएंगे, यानी लेकिन हर हाल में आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही होगा, ठीक है। तो आप समकोण त्रिभुज दो तरफ से बढ़ा के बना सकते हैं, यानी किसी भी भुजा को, यानी कोई भी भुजा हो उसको बढ़ा के, यानी इसको हम अगर इस तरफ से ऐसे बढ़ा दें डॉट लाइन से, यानी ऐसे सीधा और ऐसे बढ़ा दें, तो बताइए एक समकोण त्रिभुज जो बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, ये यानी ओ ए और बी, ओ ए बी क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज, जहाँ एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो आपको यह दूरी ज्ञात करना है, तो यह एक कर्ण है, तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये पूरा आधार होगा, तो ये पूरा क्या होगा, लंब होगा, तो ये तो दूरी आपको मालूम है कि यह 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5, ये तो मालूम हो गया, और ये पूरा मालूम होना चाहिए, तो अभी यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन है जिसका दूरी कितना है, 7 है, तो ये भी कितना है, 7 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 किलोमीटर, यानी ये 12 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, इसी दोनों का स्क्वायर करके निकालेंगे तो यह दूरी आपको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से दूरी अगर ज्ञात करना है तो दूरी बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो
12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 बराबर अंडर रूट 169 यानी आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। यानी प्रारंभ बिंदु से अब जो मनीषा है वह कितने किलोमीटर दूर है, तो 13 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपका आंसर दूरी में यही आ गया। लेकिन यहाँ दिशा भी पूछा है, तो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच दिशा तो आपको मालूम है कि यह नॉर्थ है और यह क्या है क्या होते हैं वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के बीच में अंतिम पॉइंट, तो यह क्या हो जाएगा आंसर इसका नॉर्थ और वेस्ट, यानी 13 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, तो आज आपने देखा टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपके हिसाब से यह काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।